हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुबिक एसिड। इसका मतलब ये जो पायरुबिक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बन रहा था, उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा। तो देखो, इसमें हम लोग दो चीज़ स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट जो स्टडी करते हैं वो है एंट्री ऑफ पायरुबिक एसिड इंटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और दूसरा जो स्टडी करते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम को लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। इसका मतलब हो गया कि एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुबिक एसिड में हम लोग देखेंगे कि पायरुबिक एसिड कैसे करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करने के बाद ये इस पायरुबिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और जब ये एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है पायरुबिक एसिड से, तो हम लोग इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे करके समझते हैं। देखो, ये मान लो सेल है, ठीक है। ये क्या है? सेल है। और ये क्या चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाला एरिया क्या है? मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना। तो देखो, अब हम लोग जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुबिक एसिड देता है। देखो, एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड बन रहा है? दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड बन रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म। ये वाला क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होता है, मैंने बताया था कि दो रिड्यूस्ड NADH2 मॉलिक्यूल निकलता है, देखो, ठीक है। और नेट गेन कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, कितना ATP का होता है? तो हम लोग बोलते हैं नेट गेन जो होता है ATP का, वो कितना? 2 ATP का होता है, ठीक है ना। तो देखो, अब ये जो पायरुबिक एसिड साइटोप्लाज्म में जो बना है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखो इंटर कर जाएगा। ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो ये पायरुबिक एसिड क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कैसे इंटर कर जाएगा ये पायरुबिक एसिड, क्योंकि इसको इंटर करने के लिए, इस पायरुबिक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करने के लिए आप ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो ये इंटर कर पाएगा। तो देखो कैसे करके एंट्री होता है पायरुबिक एसिड का। तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को देखेंगे, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को, तो इस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है। देखो, एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टर। ये भी ट्रांसपोर्टर है। इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलते हैं पायरुबिक एसिड ट्रांसलोकेज। तो ये पायरुबिक एसिड ट्रांसलोकेज के कारण क्या होगा, ये पायरुबिक एसिड एरोबिक कंडीशन में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहाँ इंटर कर जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो, इंटर कर गया पायरुबिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है अब क्या होगा। तो देखो, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है? एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं पायरुबिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। पायरुबिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पायरुबिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एंजाइम मिलेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो देखो क्या होगा, अब ये जो पायरुबिक एसिड है ना, उसको ये एंजाइम कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल को एंजाइम में। देखो, ये पायरुबिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल को एंजाइम में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? पायरुबिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर भी बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम इसी एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो, ये वाला रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, रिड्यूस्ड NADH2 मॉलिक्यूल निकलता है। देखो रिड्यूस्ड NADH2 मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पर भी क्या होगा? रिड्यूस्ड NADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक बार एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है तो फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल को रन कराता है। ये केसी का मतलब क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल रन होगा तो क्या होगा, उसके बाद फिर ETS चलेगा। ETS का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। और ETS चलेगा तो क्या बनेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, ठीक है। तो देखो, एक ग्लूकोज से कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड बन रहा है? दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड बन रहा है। और ये दोनों मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड कहाँ इंटर कर रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब हो गया, दो पायरुबिक एसिड से कितना एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा? दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ठीक है। दो क्रेब साइकिल चलेगा और दो बार क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा एक ग्लूकोज से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर
इस वाला जो ये वाला जो रिएक्शन है पायरोबिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो पायरोबिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना, पायरोबिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? पायरोबिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में। और इस रिएक्शन के टाइम पे क्या हुआ? रिड्यूस्ड NADH2 बाहर निकला। ठीक है, तो ये वाला को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको देखो हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन। इसको लिंक या गेटवे रिएक्शन इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल के साथ। ये जो देखो ये प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है, और ये क्रेब साइकिल कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम वाला रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन, अगर ये लिंक रिएक्शन नहीं होता तो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल के साथ कम्युनिकेट नहीं करता या फिर लिंक नहीं होता तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल के साथ क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, ताकि क्या हो सके? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो सके और ATP बन सके। ठीक है, यही कारण है इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो देखो अभी देखो कंक्लूजन क्या है। ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये तो साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ है? नेट गेन कितना ATP का हुआ है? 2 ATP का हुआ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नेट गेन कितना ATP का हुआ है, देखो 2 ATP का हुआ है। ठीक है, और कितना रिड्यूस्ड NADH2 निकला है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे? कितना निकला है? 2 निकला है, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर 2 रिड्यूस्ड NADH2 प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम या लिंक रिएक्शन को देखेंगे तो देखो यहाँ भी कितना रिड्यूस NADH2 निकला है? 2 रिड्यूस NADH2 निकला। देखो देखो एक रिड्यूस NADH2 और दूसरा रिड्यूस NADH2। ठीक है, तो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बना है और 2 रिड्यूस NADH2 निकला है, और लिंक रिएक्शन के टाइम पे 2 रिड्यूस NADH2 प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। थैंक यू।